मिशन 2024 के लिए आज दिल्ली कूच करेंगे नीतीश कुमार। जनता दल यूनाइटेड ने मिशन 2024 को लेकर जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली कूच कर रहे हैं। नीतीश आज जनता दरबार कार्यक्रम के बाद दिल्ली जाएंगे। नीतीश कुमार अगले 2 दिनों तक दिल्ली में रहेंगे और इस दौरान विपक्षी दलों के कई नेताओं से उनकी मुलाकात तय है। हालांकि कांग्रेस सोनिया गांधी के उपलब्ध नहीं होने के कारण उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, लेकिन नीतीश कुमार और राहुल गांधी के बीच मुलाकात हो सकती है। इसके अलावे नीतीश कुमार अन्य विपक्षी नेताओं से भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुटता के लिए रणनीति बनाएंगे। 27 दिन पहले बीजेपी से अलग होकर राजद का दामन थामने वाले नीतीश कुमार ने 2024 में भाजपा को 50 सीटों पर सिमटा देने का ऐलान कर दिया है। जदयू की बैठक में शनिवार को ये ऐलान करने वाले नीतीश कुमार रविवार को अपने बयान से पलट गए, लेकिन बड़ी खबर ये है कि विपक्षी एकता का सुर छेड़ रहे नीतीश कुमार को अपनी पहली ही कोशिश में बड़ा झटका लगा है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव के साथ उनकी बातचीत फेल हो गई। अब नीतीश दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में नीतीश कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के दरबार में भी हाजिरी लगाएंगे। वैसे नीतीश की पहली कोशिश भले ही फेल हो गई हो, सोमवार को वो दिल्ली जा रहे हैं, यानी कि आज 3 दिनों तक नीतीश कुमार दिल्ली में रहेंगे। जदयू ने कहा है कि नीतीश कुमार कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगे। जदयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि नीतीश कुमार किन किन नेताओं से मिलेंगे इसका पूरा ब्यौरा अभी नहीं दे सकते, लेकिन नीतीश दिल्ली में राहुल गांधी से मिलने जाएंगे ये तय हो चुका है। वे कई और पार्टियों के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वैसे तो नीतीश ने अपने ही बयान से यूटर्न मार लिया है। शनिवार को जदयू की बैठक में नीतीश कुमार ने दावा किया था कि 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को 50 सीटों पर सिमटा देंगे। जब मीडिया ने उनसे पूछा तो नीतीश ने कहा कि उन्होंने सीटों की बात तो की ही नहीं थी। नीतीश ने कहा, मैंने तो ये कहा था कि अगर सारे विपक्षी दल एकजुट हो जाए तो अच्छी सफलता हासिल हो सकती है, मैंने कोई संख्या की बात नहीं कही थी। दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो दावा किया था उसे जदयू ने बकायदा प्रेस रिलीज जारी कर मीडिया को जानकारी दी थी। जदयू की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में यह कहा गया है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को 50 सीटों पर सिमटा देने की बात कही है, लेकिन अब नीतीश अपने ही बयान से पलटी मार गए हैं। इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि आज नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना होंगे और विपक्ष की एकजुटता को लेकर कई नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।